नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक वीडियो में हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। जी हां, क्योंकि 14 साल की उम्र से ही शुरू हुआ बाबा रामदेव के योग ऋषि बनने का सफ़र। चलिए आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, स्वामी रामदेव ने 14 साल की उम्र में हरियाणा के कलवा गांव के गुरुकुल में एडमिशन लिया था, जहां उन्होंने संस्कृत और योग की शिक्षा ली। स्वामी रामदेव ने संस्कृत व्याकरण, योग में दर्शन, वेद और उपनिषद के स्पेशलिटी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आचार्य की डिग्री ली। स्वामी रामदेव ने आगे चलकर महर्षि दयानंद की लाइफ से इंस्पायर होकर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदाधिभाष्य भूमिका आदि के बारे में भी पढ़ाई की। स्वामी रामदेव के जीवन पर महर्षि पतंजलि का गहरा प्रभाव रहा है। स्वामी रामदेव ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग पर चलने का फैसला किया। गुरुकुल में योग, पाणिनी की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य सिखाने के बाद वे हिमालय की गंगोत्री गुफाओं की यात्रा पर निकल गए थे। स्वामी रामदेव ने पतंजलि के योग और आयुर्वेदिक मेडिकल टेक्निक को लोगों के बीच पॉपुलर किया। बाबा रामदेव हमेशा से आयुर्वेद और योग को अपनाने के लिए दुनिया भर के लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करती हैं। बाबा रामदेव ने योग के लिए अपनी दो पॉपुलर हिंदी बुक्स योग साधना और योग चिकित्सा रहस्य और प्राणायाम रहस्य में योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया है। बाबा रामदेव के योग शिविरों में देश के सभी हिस्सों से हजारों लोग भाग लेते हैं। रामदेव ने 8 प्राणायाम करने पर जोर दिया। इनमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्दिग्धा, प्रणव प्राणायाम आते हैं। रामदेव ने कुछ सरल घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी बताए हैं, लोगों के बीच इसके लिए अवेयरनेस भी बढ़ाई है। स्वामी रामदेव के सिखाए योग और ट्रीटमेंट से कई लोगों को थोड़े ही समय में जबरदस्त रिजल्ट भी मिले हैं। स्वामी रामदेव को लोगों में बड़े पैमाने पर योग को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है। स्वामी रामदेव योग को पतंजलि योगपीठ से ट्रेंड और सर्टिफाइड योग टीचर के जरिए बड़े लेवल पर ले गए हैं। स्वामी रामदेव ने सबसे पहले 1945 में कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके बाद हिमालय में गंगोत्री में मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मकल्प चिकित्सालय स्थापित किया गया। इसके साथ ही दिव्य फार्मेसी, दिव्य प्रकाशन, दिव्य योग साधना 2005 में दिल्ली में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार महाशय, हीरालाल अश्र गुरुकुल, किशनगढ़ घसेदा, महेंद्रगढ़ हरियाणा योग ग्राम और हाल ही में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एन दिल्ली की स्थापना की गई है। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया है, जिसमें भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकल एक्सपेक्टेड के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। आशा करती हूँ आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।